सलमान खान को मिल रही धमकियों के बीच उनकी आने वाली फिल्म सिकंदर की शूटिंग को रोक दिया गया है। हालांकि सिकंदर की शूटिंग क्यों रोकी गई है इसे लेकर सलमान की टीम ने कुछ भी कंफर्म तरीके से नहीं कहा है, लेकिन माना यही जा रहा है कि विश्नोई गैंग से मिल रही लगातार धमकियों के बीच भाईजान ने फिल्म की शूटिंग को फिलहाल रोक दिया है। आपको बता दें कि सिकंदर की शूटिंग जोर शोर से चल रही थी और सलमान का ये ऐसा अपकमिंग प्रोजेक्ट था जिसे लेकर के वो बेहद एक्साइटेड थे। लगातार फिल्म के नए नए पोस्टर्स जारी किए जा रहे थे, लेकिन हाल ही में जो कुछ हुआ, बाबा सिद्दीकी की हत्या और फिर सलमान को मिल रही खुलेआम जान से मारने की धमकियों के बीच उनके फैंस बेहद चिंतित हैं। वहीं सलमान खान और उनके परिवार की सुरक्षा भी इस वक्त सबसे जरूरी है। खबर ये भी सामने आई थी कि एक्टर ने विदेश से एक बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवाई है। बिग बॉस 18 के सेट पर उनकी सुरक्षा को बेहद बढ़ा दिया गया है, लेकिन बाबा सिद्दीकी के मामले में ये भी देखा गया कि सुरक्षा के बावजूद उनकी जान चली गई। इसे लेकर के सलमान के घर वाले बेहद चिंतित हैं। खुद सलमान के चेहरे पर इस बार शिकन दिखाई दे रही है। बिग बॉस में जब वो आए तब वो उतने सहज बिल्कुल नहीं लग रहे थे जितने कि वो आमतौर पर होते हैं। आपको बता दें कि सलमान अपने काम को लेकर बेहद कमिटेड रहते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर बेहद सीरियस रहते हैं, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब ये मामला बेहद गंभीर हो चुका है। सलमान के घर के बाहर भी कई बार गोलियां चल चुकी हैं और इस बार सलमान खान अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर के बेहद सीरियस है। फिलहाल सिकंदर की शूटिंग को बंद कर दिया गया है। अब सिकंदर की शूटिंग कब शुरू होगी ये एक बड़ा सवाल है। यही नहीं, सिंघम अगेन में भी उनका एक चर्चित कैमियो था, लेकिन ये भी फिलहाल शूट होगा या नहीं ये अधर में लटका हुआ सवाल है।